नमस्कार। सो एक नोटिस आया हुआ था एमसीसी की वेबसाइट पे रिगार्डिंग कन्वर्जन फ्रॉम टू एनआरआई, तो थोड़ा सा मैं आपको उसको एक्सप्लेन कर दूं जो लोगों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटी की एनआरआई सीटें एक लो स्कोर के बच्चों के लिए ड्रीम होता है और काफ़ी लोग इसके लिए जाते हैं। जाइए, देखिए, जिसको जाना है वो जाइए। मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ कि अगर आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है तो मत जाइए, फिर भी क्या पर्पस है। और मैं इस वीडियो में उसके अलावा कुछ और बताना चाहूँगा, क्योंकि जब कल जैसे कल ये नोटिस आया तो फिर से मेरे कुछ क्लाइंट्स के फ़ोन आए, तो फिर मैंने दोनों को मैंने आधा घंटा समझाया। मैंने वीडियो बना देता हूँ मैं, अगर दिस क्वेश्चन इज़ सो कॉमन तो सबको पता चलना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अब के डेट में हिंदुस्तान में स्टार्टिंग लास्ट ईयर, मतलब इवन इफ़ यू जस्ट नीड क्वालिफाइड, आपको कोई ना कोई सीट तो मिली जाएगी, वो भी शायद एनआरआई फीस पे भी, नॉर्मल फीस पे, जो कि हम पौंडेचेरी या तमिलनाडु के जो कुछ डीम्ड हैं जिनका लास्ट ईयर तो राउंड वन में अलॉटमेंट भी पूरी सीटों का नहीं हुआ था, राइट? तो ये फैक्ट है। तो ये क्वेश्चन था वो ये था, वैसे भी वो बहुत दूर है कि सर जैसे बच्चे के 400 नंबर हैं तो सर क्या हम एनआरआई स्पॉन्सर हमारा है रिश्तेदार, जबकि ये जेन्युइन है, ले लें ताकि हम राजस्थान या हिमाचल की सरकारी कॉलेज में अप्लाई कर सकें। तो देखिए, पहले ना आप इस बात को समझिए कि खासकर सरकारी कॉलेजों में एनआरआई सीटें लाइक हो गई थी। तो उससे पहले मैं आपको एक और डेटा बताता हूँ। ये ना डेटा एनटीए ने छापा था जब नीट हुआ था, तो एक नीट का रिजल्ट आया था 13 जून को ना, प्रेस रिलीज आई थी एनटीए की, और तब मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था, बट आई थिंक आज उसका वीडियो काम का है कि कितने एनआरआई बैठे और कितने एनआरआई ने क्वालिफाई करा। तो इस साल जनरल मतलब नॉन एनआरआई हिंदुस्तानी तो 11,44,000 लोग क्वालिफाइड है, 11,00,000, 11.5 लाख। तो हमें पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर ये फिगर जो थी क्वालिफाइड की 9,90,000 थी, इस बार 11,40,000 है। सो 1,60,000 बच्चों ने ज़्यादा क्वालिफाई करा है। और इसी तरह एनआरआईज में लास्ट ईयर रफली कुछ 400, 800, 1300 मतलब कुछ 1400 थे, इस बार 1600 है टोटल। अब ये जो 1600 हैं फॉरन एनआरआई ओसीआई पीआईओ, ये वो लोग हैं जो कि जेन्युइनली जिसे कहते हैं ना एनआरआई थे, मतलब जिन्होंने नीट के फॉर्म में अपने आप को एनआरआई दिखाया था, दैट मीन्स इंडिया के बाहर से उन्होंने फ़ोन किया था, हो गया था। और जो भी ऐसा होता है जो नीट में एनआरआई था, इसलिए जो ये एमसीसी का लेटेस्ट नोटिस आया है, ये हमेशा कन्वर्ट करते हैं इंडियन टू एनआरआई, नॉट एनआरआई टू इंडियन, राइट? तो जो जेन्युइनली एनआरआई है, मतलब बाहर ही रहता है और एज एन एनआरआई जिसे कहते हैं ना फॉर्म भर रहा है नीट का, इनसे ये लोग पूरे पैसे लेते हैं। तो चाहे आप उस बेचारे बच्चे के 680 नंबर आ जाएं, उसे अगर इंडिया में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करनी है तो उसको एनआरआई की फ़ीस देनी पड़ेगी, और वो एनआरआई की फ़ीस तो एम्स दिल्ली में भी, जो कि में भी एनआरआई सीटें हैं, वो भी जो उसका पूरा पैकेज है आई थिंक $75,000 है, जो कि 60 लाख रुपये हो जाते हैं आज की करेंसी के रेट में, 60 ही होगा ना, 7.5-8 लाख, 15-14, हाँ, और हॉस्टल मिला के 70 लाख, जो कि हिंदुस्तानी बच्चे को काइंड ऑफ एम्स दिल्ली तो फ्री है। तो एक तरह से कहता है इन 1500 एनआरआई को लूटने के लिए, क्योंकि इन 1500 एनआरआई ने अप्लाई क्लियर करा है और इनको इंडिया में आके पढ़ाई करनी है तो इनको तो एनआरआई फ़ीस ही देनी पड़ेगी। और तभी जो पंजाब स्टेट जब एनआरआई सीटें देता है अपनी, खासकर सरकारी कॉलेजों में, तो वो तो सिर्फ एनआरआई को देता है, बाकी कुछ सरकारी अलाउ करते हैं कि एनआरआई स्पॉन्सर भी आ जाएँ, जिसमें हम अब आते हैं। तो ये 1500 तो एनआरआई हो गए, 1600 बच्चे जो चाहे एनआरआई के थ्रू अपने किसी स्टेट में लें, एनआरआई डीम्ड में लें जो हर जगह 15% आएँ, या जहाँ जहाँ सरकारी कॉलेजों में एनआरआई सीटें हैं वहाँ ले लें, राइट? पर अब मुद्दे की बात ये थी, और ये जो फिर जो निकलता है, जो ये नोटिस आया है, ये मोस्टली ये आता है हर साल ही है बेसिकली। जो देखिए, जो एनआरआई नहीं था उसने जब नीट का फॉर्म भरा था तो नॉर्मल भरेगा ना, जनरल या ओबीसी या एससी एसटी, लेकिन आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड हो, तो अगर आप एनआरआई स्पॉन्सर्ड होते हो तो उसकी कोई ऑप्शन नीट फॉर्म में नहीं होती, तो उसमें तो या तो आप एनआरआई हो या आप इंडियन हो, यही आपको मोस्टली फॉर्म में मिलेगा। तो अब आपको इसलिए मौका दिया जाता है कि आप फिफ्थ कैटेगरी मतलब एनआरआई स्पॉन्सर्ड बन जाओ, और जहाँ जहाँ एनआरआई स्पॉन्सर्ड अलाउड है, चाहे वो डीम्ड हो चाहे वो सरकारी हो, उसमें आप सीट ले लो। अब मुद्दे की बात ये है, तो ना फ़ोन आया कि सर एनआरआई स्पॉन्सर बन के हमें राजस्थान का सरकारी मिल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल मिल जाएगा, तो मैंने कहा सरकारी का करोगे क्या? तो शायद इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बात एनआरआई की चल रही है और उस नोटिस में सब लिखा हुआ है कौन कौन सा कागज़ आपको बाहर से चाहिए, हम भी हेल्प करते हैं जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। देखिए, गवर्नमेंट कॉलेज हमेशा प्राइवेट से अच्छे नहीं है, ये बहुत बड़ी मिथ है अगर किसी को है तो।
तो मैं हमेशा कहता हूँ ना, ऐसा नहीं है सारे सरकारी सारे प्राइवेट से अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे प्राइवेट अच्छे हैं। तो अगर आप 100 से 700 कॉलेजों की लिस्ट बनाओगे, जो NMC की वेबसाइट पर आपको लिस्ट दिखती है, तो ये भी हो सकता है कि पहले 4 के बाद जो इंडिया का नंबर 5th कॉलेज है वो एक प्राइवेट हो। अब NIRF रैंकिंग, आई विल नॉट गो बाय दिस, हम सबको जानते ही हैं कि NIRF रैंकिंग भी सैक्रोसेंट नहीं है, और मेरे क्लाइंट ने मुझे कहा भी, और मैंने बोला, मैं इट इज़ वन ऑफ दी पैरामीटर। तो उसमें देखते ही है ना कि कुछ पहले 2 टॉप अगर सरकारी हैं तो बहुत जल्दी ही प्राइवेट आ जाते हैं। तो देखिए, सरकारी हमेशा टॉप पे इसलिए रहता है MBBS में क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, इस बात को हमें क्लियर रखना है, राइट। और NIRF तो फिर भी कुछ चीज़ें नहीं देखता जो कि आप और हम देखेंगे, कि एक सरकारी कॉलेज में ठीक है बहुत अच्छे अच्छे उनकी फास्ट फैकल्टीज़ होंगी क्योंकि उन्होंने वो सरकारी नौकरी के चक्कर में बहुत सीनियर लोगों को एक प्रॉपर एक एंट्रेंस टेस्ट का सिस्टम है, लेकिन जब डे टू डे मेंटेनेंस की बात आती है, रखरखाव की बात आती है, तो फिर से तो जिसने मुझे फ़ोन किया ना, वो खुद एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, मैं नाम नहीं लूँगा, पर अगर वो खुद इस वीडियो को सुनेंगे तो समझ जाएंगे। तो मैंने कहा, मैम आप तो खुद एक हाई स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल टीचर हो, चलो आप साइंस नहीं पढ़ाते, तो क्या आपने बच्चे को अपने स्कूल में डलवाया था जिस स्कूल में खुद टीचर हो? नहीं नहीं सर, आप तो जानते ही हो कि सरकारी स्कूल के टीचर कहाँ पढ़ाते हैं या सरकारी स्कूल कैसे ही चलते हैं, मतलब अपने बारे में भी खुद बोला। तो हम तो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल में भेजा, और यही शायद मोस्टली होंगे जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे। तो यही हाल मेडिकल कॉलेज का भी है। सरकारी कॉलेज में एक चीज़ की जनरली एश्योरेंस रहती है, वो है पेशेंट लोड, क्योंकि वो सरकारी हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं और हमेशा मौके की जगहों पर होते हैं, बहुत कोने में नहीं होंगे, क्योंकि जो नए भी खुलते हैं जनरली वो सिविल अस्पताल, जो जिला अस्पताल होते हैं वहाँ खोले जाते हैं, वहाँ भीड़ की कमी तो है नहीं। बट उस पेशेंट फ्लो को ट्रीटमेंट देने के लिए ना इक्विपमेंट होते हैं ना सामान होते हैं, कॉलेजों की दीवारें टूटी फूटी होती हैं, हॉस्टल्स की दीवारें टूटी फूटी होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैंने कहा, मैम अब राजस्थान में अगर $30,000 के हिसाब से हम 1,30,00,000 खर्च करने वाले ही हैं और आपके 400 नंबर हैं, तो आपको तो 1,00,00,000 के बजट में इंडिया के बहुत शानदार शानदार कॉलेज मिलने वाले हैं ऑलरेडी, तो आप 1,30,00,000 क्यों खर्च करना चाहते हो? नहीं सर, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। मैं कहा, सरकारी से क्या? तो उनके पास जवाब नहीं था। कहती, नहीं सर हमने लगा सरकारी अच्छा ही होता है। मैं क्यों अच्छा होता है ये तो बताओ। मैं कहा, सरकारी तब अच्छा होता है ना जब 50,000 की फीस में मिल रहा हो, राइट, उसी वजह से सरकारी अच्छा है। या कुछ सरकारी हैं जो PG कोटा दिला देते हैं, दिल्ली वाला केस हो गया, और चलो कुछ जनरली अच्छे हैं मौलाना साहब टाइप के, पर लेट से दिल्ली का NDMC जो एक IP के अंडर आता है, महाबिलो एवरेज कॉलेज है, मतलब बिल्कुल टूटी फूटी हर चीज़ टूटा फूटा, बस उनको एडवांटेज ये है कि वहाँ बच्चे अच्छे आते हैं, यू नो ऑल इंडिया टॉप 30,000 रैंक वाले पुराने भी प्रोफेसर हैं जो क्लास में खैर आना पसंद नहीं करते। लेकिन NDMC कॉलेज अगर आप जाके देख के आओगे तो आपको मन भी नहीं करेगा उस कॉलेज में जाने का, तो फिर भी कट ऑफ सुपर हिट जाती है क्योंकि सरकारी कॉलेज है और दिल्ली के अंदर PG कोटा लगता है, तो आपके तो PG भी कन्फर्म हो जाती है। तो इस वजह से NDMC कॉलेज 640 कट ऑफ 630 कट ऑफ जाती है, कोई उस कॉलेज का लेवल थोड़ी ना वैसा। तो मैं कहा, राजस्थान के जिन कॉलेजों में NRI सीटें हैं उनसे तो बहुत अच्छा आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने वाला है ना, जो हर लिहाज से अच्छा है, वो USMLE में भी अप्रूव्ड है, सब कुछ है। तो फिर जैसे सरकारी कॉलेज में सरकारी डिग्री, मैंने कहा उसका MBBS में कोई रोल नहीं है। तो फिर ये NRI सीटें, मैंने कहा ये तो खोली गई थी मेन NRI के लिए, जैसे इस बार 1600 ने पास करा है, अब ये तो चाहते हैं ना कि और बढ़े, क्योंकि मैंने कहा ना 11,50,000 इंडियन है और सिर्फ 1600 NRI हैं। अब 1600 के पहले तो चाहते हैं 5,000 NRI आएँ और वो डीम्ड वाली और ये सरकारी वाली और स्टेट में भी हैं, भर भर के NRI से ये फीसें लूटें, क्योंकि जिसने नीट का फॉर्म ही ऐसे NRI भरा है उसको तो NRI फीस ही देनी पड़ेगी। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आ जाओ तो बहुत क्लियर है, मैं कहता हूँ कि भाई सरकारी कॉलेज का क्रेज़ तो होना ही नहीं चाहिए। तो दूसरे पर मेन बात यह है कि भाई किसी ने बोला चलो सर 550 नंबर है ही या 500 नंबर है तो PGMS रोहतक अगर मिल जाए, मैं कहा भाई 500 में तो आपको जॉली ग्रांट और JSS और JLN बिला का भी मिल ही रहे हैं ना, और PGMS रोहतक कौन सा आपको सस्ता पड़ा रहा है, वो भी तो पूरे पैसे ले रहा है। और जब पेशेंट फ्लो की बात है तो उन अच्छे कॉलेजों में तो पेशेंट फ्लो भी बराबर है, सो जितना पेशेंट फ्लो PGMS रोहतक में उतना ही इन 3 कॉलेजों में या MGM जयपुर में है, तो वो लॉजिक भी नहीं बचता। तो देखिए, जो हिंदुस्तानी बंदा NRI सीट लेता है वो तो मैं हमेशा समझाता हूँ कि ठीक है आपका एक सपना है कि नंबर 300 आए और कस्तूरबा में सीट चाहिए तो आप NRI ले सकते हैं, भाई नंबर बिल्कुल ही 150 आए हैं तो उसको सीट ही नहीं मिल रही ढंग की तो NRI स्पॉन्सर रूट से सीट मिल जाती है, और भाई 400 नंबर है कस्तूरबा चाहिए था, 250 नंबर है बेटर कॉलेज चाहिए था, अमृता की जैसे समय लगी हुई है कि चल रही है हवा, तो बच्चे के नंबर 250 में नॉर्मली मिलेगा, चलो NRI से मिल जाएगा, चाहे डबल जाएंगे 2 करोड़ रुपया तो समझ में आती है। लेकिन
अपना ना लक्ष्य और अपना पर्सपेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि हम NRI में कन्वर्ट हो गए, NRI सीट क्यों ले रहे हैं, राइट? और वो बहुत महंगी पड़ती है, आपको इस बात का जानकारी होनी चाहिए। मैंने वही बोला कि फ्रॉम अ प्योर कॉलेज क्वालिटी पर्सपेक्टिव कि सर NRI हम कन्वर्ट इसलिए हो रहे हैं ताकि हम JSS, JLN बेलागावी, KS हेगड़े, कस्तूरबा कैंपसेस, जमशेदपुर या जौलीग्रांड में तो फ़ायदा नहीं है, NRI सीट है ही नहीं, पर जहाँ भी हैं। अब वो कहते हैं सर हिमाचल में, हिमाचल के 6 में से 4 सरकारी कॉलेज तो ऐसे हैं कि हिमाचल के खुद के बच्चे, एक बच्चा वहाँ नहीं जाना चाहता जो शहर में भी रहता है, वो भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बाहर ही जाता है, वो तो जो बच जाते हैं बच्चे हिमाचल के वो इन 4 कॉलेज में जाते हैं, तो वहाँ जाके क्या करोगे NRI कोटा लेकर भी? या राजस्थान के जो काफ़ी कॉलेजेस हैं जिनके अंदर NRI सीटें हैं, तो मैं कहा ये तो सरकारों ने लॉन्च की हैं फीसें कमाने के लिए कि सरकारी कॉलेज के भी कुछ खर्चे निकल जाएँ तो NRI की फ़ीस के दम पर। पर वो NRI भी इतने स्मार्ट हैं जो 1600 हैं कि वो भी कहते हैं कि भाई 1.25 करोड़ हम राजस्थान के सरकारी में दें, इससे अच्छा तो कोई अच्छा डीम्ड लेंगे ना जहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? और यही सच्चाई है, और इसलिए फिर वो NRI स्पॉन्सर्ड को भी किसी किसी जगह पर सीट मिल जाती है सरकारी में इंडिया में। तो मैंने ही किसी क्लाइंट को सजेस्ट किया था, मेरे पास एक और क्लाइंट है 180 नंबर का, और बिल्कुल मैंने उनसे कहा कि आप ये लीजिए क्योंकि 180 नंबर है, तो मैं कहा और बजट भी कम है। तो फिर हाँ, सरकारी में ये फ़ायदा है कि भाई 1.25 करोड़ का बजट है, जबकि कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं, हम कल ही बना रहे थे लिस्ट, तो भाई वो तो 180-170 जाती है ना, पर जिसको मैंने 400 रुपये वाला एग्जाम्पल दिया उनको तो बहुत अच्छा कॉलेज 1 करोड़ के बजट में मिल रहा है ना। तो बजट देखिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखिए, और फिर डिसीजन लीजिए कि हमने ये कन्वर्जन करानी है कि नहीं करानी है। MCC में एक बार कन्वर्जन हमने करा ली, सो दोबारा हम वापस से नॉर्मल नहीं बन सकते। अगर आप NRI स्पॉन्सर एक बार बन गए तो वहाँ सोच समझ के, अपने मास को देख के, सब एनालिसिस करके, फिर आप इस कन्वर्जन के थ्रू के पे जाइए, ठीक है? और हमसे संपर्क करना चाहते हैं, अभी भी कुछ स्लॉट्स बचे हुए हैं हमारी प्रीमियम सर्विसेज के, तो 9643-6230 पे कॉल कीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ फर्स्ट कॉल या फर्स्ट मीटिंग भी हमारी चार्जेबल है, 2500 फॉर ऑनलाइन, 5000 फॉर फेस टू फेस, और उसके बाद हम आगे की राह तय करते हैं और उसके हिसाब से आपको प्रीमियम पैकेज का कॉस्ट दिया जाता है। आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, बाय बाय।